राहुल गांधी के बारे में जानते हैं? हाँ, पहले जानत रहे। का जानत रहे पहले? राधे गांधी हैं। तो मोदी जी कौन है? दिल्ली के सरकारी आदमी है। सरकारी सरकारी आदमी है दिल्ली के। मैं दिखा देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये इनका खाना है, ये अपने बच्चों को लिए लेके जा रहे हैं। वो घर वाले जो हमको बोल देते हैं उसी में हम डाल देते हैं, हमको नहीं। आप खुद से नहीं निश्चित करते? मोदी जी को जानते हैं? हाँ। कौन मोदी है? कमल को ये है। अच्छा, किराए से रहते मेरा नहीं, रिश्तेदार में रहता है। अच्छा, आपको कुछ सरकारी योजना का लाभ मिलता है, राशन कार्ड वगैरह? हाँ, हमारे पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। खाली ये रिक्शा आते हैं और बाल बच्चे हैं, मेरे पास कुछ नहीं, ना कोई सरकारी में ना कुछ नहीं। इसमें ब्रेक मार लो, मेरे ख्याल से कुछ तो ब्रेक रहता है ना। कम वो ऐसे ब्रेक कहाँ है? अरे मैं चलाया हूँ रिक्शा, कम है, बचपन में चलाया। तो क्या काम नहीं मिला कि क्या दिक्कत? धंधा ही पानी नहीं है, कैसे कहाँ तक जाए? खाली खाली कहाँ खड़े हैं। आपको ये जो 5 किलो राशन गरीबों को मिलता है वो भी नहीं मिलता है? कैसे नहीं मिलता है? इतनी दाना जो सक्कर नहीं है, इतना दाना सक्कर नहीं है। पहले तो आप अपना नाम बताओ। भग्गी यादव। आपका आपका चेहरा नहीं दिख रहा, इसमें आ रहा, इधर आ रहा, इसमें बैठो अपनी सीट पे। अब जैसे आपने मिले आ जाओ यार। जबलपुर से ही? नहीं, हम यहाँ के नहीं, बाहर के हैं, जैसे बाजू। मेरा नाम गौतम। अच्छा, तो आप मध्य प्रदेश से हैं कि किसी और प्रदेश से? हम आए छतरपुर के रहने। अच्छा, छतरपुर से, मध्य प्रदेश ही तो है। हाँ, जो हम रहते हैं। इसमें ब्रेक मार लो, मेरे ख्याल से कुछ तो ब्रेक रहता है ना। कम नहीं है वो ऐसे ही है। ब्रेक कहाँ है? अरे मैं चलाया हूँ रिक्शा, कम है, बचपन में चलाया हूँ। चलाओ फिर देता था, एक साइड में चलता है। मानते आप ये कम है? वो कहा तक खराब है। अच्छा, वो टायर खराब है? हाँ, ये है ना, काम चला। तो छतरपुर से यहाँ जबलपुर आप कब आए थे? हो गई आज 15-20 साल। 20 साल से आप यहीं के हैं और अभी तक आप एक रिक्शा मेंटेन नहीं कर रहे हैं? अभी नहीं कर रहा हूँ। 70 रुपये का काम किया अभी? 70 रुपये की पहुँच गए 5 बजे 6 बजे। 70 की 17 70 रुपया। अच्छा, 70 रुपये। एक पार्टिया में खाने में बटोर के लिया, मंदा नहीं सोचे पकड़ लिया लोग पे थाने में। तो क्या काम नहीं मिला कि क्या दिक्कत? धंधा ही पानी नहीं है, कैसे कहाँ तक जाए? खाली खाली कहाँ खड़े हम? गुलब्बो फैया है, गड़ा बाजार फैया है, अब कोई मिला नहीं सब तो किसको बोलते। अच्छा, तो क्या जैसे आपको कुछ सरकारी योजना का लाभ मिलता है, राशन कार्ड वगैरह? हाँ, हमारे पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। खाली ये रिक्शा आते हैं और बाल बच्चे हैं, मेरे पास कुछ नहीं, ना कोई सरकारी में ना कुछ नहीं। मेरे पास कुछ नहीं, वो वोट वाले आए थे मतलब सवेरे, तो पैसी दे गए थे। अच्छा। तो हम 10 आदमी हैं, तो पैसी रख नहीं भैया, जब बुढ़ा तो दे दें भैया को। अच्छा, फिर काम नहीं था। तो आपका राशन कार्ड तक नहीं बना है? मेरा कुछ नहीं। ऐसा क्यों, आपने कोशिश नहीं की क्या बनवाने? अब पैसे नहीं हो पता, वो तो कह रहे हैं राशन कार्ड बनवाने के लिए थोड़ी ना पैसा लगता है। अरे साहब जी, हाँ कह रहे वो कहा तो बोला था, ये हाई कोर्ट के बाजू ही कहा तो बोला था, कैसे की कलेक्ट्रेट कलेक्ट्रेट है तो साहब बोले बना देंगे मीटिंग बना देंगे। अच्छा, तो वोटर लिस्ट में आपका नाम है लेकिन राशन कार्ड नहीं है? राशन कार्ड। अच्छा, तो क्या आप कहाँ रहते, कहाँ पे हैं? ये हैदराबाद में घर है ना। अच्छा, किराया से रहते हैं मेरा नहीं, रिश्तेदार में रहता है। अच्छा, कितना किराया देते हैं? अरे सर जी, वो रहता है आपको
तो मतलब हम तो हमारी घर वाली है दमो नाका की। अच्छा तो सब परिवार वाले हैं। हाँ 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 रख लिया था घर वाली में ना। हाँ तीन चार छो लड़के तीन छोले अभी मेरे छोटे से बच्चा है। अच्छा रख लिया था मैंने ऐसी आपसी में। हाँ उन्हीं के साथ रहता हूँ। तो आपको ये जो 5 किलो राशन गरीबों को मिलता है वो भी नहीं मिलता? कैसे नहीं मिलता आज तक इतनी दाना जो सक्का नहीं मिलता बिल्कुल इतना दाना सक्का नहीं मिलता। टीवी देखते हैं? टीवी नहीं यार मैं पढ़ो देखो में तो यही काम करता। तो मोबाइल न्यूज चैनल में वीडियो वगैरह नहीं देखते? न्यूज पेपर नहीं पढ़ते? न्यूज पेपर भी आप नहीं पढ़ते? मुझे कुछ बनते नहीं रिक्शा में चलाता हूँ। तो किसको वोट देंगे फिर? नहीं तो वोट देते हैं मतलब कैसे देंगे? मतलब कैसे देते आप सोचेंगे किसको वोट देना है कैसे आप निश्चित करेंगे? वो घर वाले जो हमको बोल देते हैं है। उसी में हम डाल देते हैं हमको नहीं। आप खुद से नहीं निश्चित करते? मोदी जी को जानते हैं? हाँ। कौन है? मोदी है कमल को वो नीरन को सबको जानते हैं है। लेकिन किस किस नेता को जानते हैं आप? हम कमल नेता को जानते हैं, कमल जी को जानते हैं, अपने तनु भैया को जानते हैं है। और ये सो जो नेता है तो मोदी जी कौन है? दिल्ली के सरकारी आदमी है। सरकारी सरकारी आदमी है दिल्ली के, दिल्ली के। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मोदी जी को कितना जानते हैं आप समझ रहे हैं। ये बोल रहे हैं दिल्ली के सरकारी ऑफिस में मोदी जी काम करते हैं। क्या काम करते हैं मोदी जी? नहीं पता राहुल गांधी के बारे में जानते हैं? हाँ पहले जानत रहे। कहा जानत रहे पहले? राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी हैं अब नहीं जानते? इंदिरा गांधी को जानते हैं? महात्मा गांधी को? कौन कौन थे महात्मा? उमा भारती को जानते हैं। अच्छा कैसे जानते हैं उमा भारती को? भाई ये मोड़ जिला की। अच्छा आपके जिले की हैं इसलिए आप जानते हैं? उमा भारती। तो आपके जिले की हो के आप आज एक रिक्शा नहीं वो कर पा रहे हैं तो पहले गरीब को खाना दिया बिचाई पकड़ लिया ये खाना है ढक लीजिए ना यही रख दीजिए ये मैं दिखा देता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये इनका खाना है ये अपने बच्चों को लिए लेके जा रहे हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा राजमा है किसी ने इनकी हेल्प की है और ये लेके अपने घर में जा रहे हैं। मुझे असल में देखा जाए तो हर बार एक नया हिंदुस्तान देखने को मिलता है और पता नहीं इतने लोग इस रोड से गुजरते हैं अभी भी पुलिस वाले गश्त कर रहे होंगे तो जाते हैं तो। इनको नहीं दिखते वो नहीं लग जाते उनके पास सब कुछ है चाहे तो वो हेल्प कर सकते हैं। सरकार भी इतनी मदद कर रही है। दुनिया भर के रैन बसेरे हैं दुनिया भर के देखो हकीकत यही धरी की धरी रह गई है कि सिर्फ चुनाव प्रचार और न्यूज वहीं तक सीमित है जहां पे कहीं ना कहीं वो पेनेट्रेट कर सकते हैं। ऐसे लोग जो न्यूज़ चैनल ही नहीं देखते जिनको ये भी नहीं पता कि मोदी जी कौन है या राहुल गांधी जी कौन है तो वो कहीं पे पता नहीं कहां पे क्या कर रहे हैं उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको तो यही पता है ना कि आज इनके लिए सरकार जीवित ही नहीं है और ये यहीं जबलपुर में रहते हैं ये एक पास एरिया है यहीं से गुजरते हैं। कहाँ आप रिक्शा कहाँ चलाते हैं? हाँ कहाँ जैसे घड़ा बाजार चले गए छोटे फुआ चले गए सवाई के ऊपर यहाँ से तो जगह बहुत दूर है दीनदयाल तक चले जाते हैं। अच्छा चुंगी तक चले जाते हैं और कांचगढ़ तक चले जाते हैं जो जैसे कहूँ फतगा क्योंकि सिलाई लग गई फर्म लग गई कश्मीर में लगा देखो सवाई कश्मीर में लगा चले जाते क्या आपको पता है कि सरकार आप जैसे लोगों के लिए मकान तक देती है यहीं शहरों में देती है? क्यों आपको क्यों नहीं मिला क्या लगता है? देखा जाए तो जबलपुर एक शहर है और कहीं ना कहीं आपके ऊपर लोगों की नज़र पड़ती होगी
सरकारी अफसरों की नजर पड़ती होगी। देखो शरद जी असली बात है, है। अब देखो दीनदयाल में कितनी बड़ी चपंजा बनी गई है, बनी दीनदयाल में हाँ हाँ। तो सबको हम बाईपास का ठंडा में दिया है, है। यहाँ दिया ये कौन सी जिला बोले यहाँ पर आस पास कहीं हाँ बर्गी तो ये ऐसे गए मांडवा मांडवा में सब जंतु दे रहे हैं। अच्छा भेड़ा घाट तय दे रहे हैं। अच्छा हमको तो कठिन है अपन तो काम चला रहे तो मतलब 70 रुपए आप समझ में नहीं आ रहे। एक मजदूरी आप करने जाएंगे इधर तो कम से कम 300 से 400 रुपए आप कमाएंगे। जबलपुर में इतनी तो मजदूरी होगी नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप मजदूरी करने जाएंगे तो आपको 300 कम से कम 300 से 400 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और आप यहाँ से और अभी शाम के इतने पैसा मिलेगा दिन में 5 रुपए मिले 4 पी के लाने है 4 पीने के लिए। तो कैसे आप अपना ये रिक्शा भी आपका सही नहीं है सवारी नहीं मिलती मैं क्या कहूँ है कोई मिला नहीं है सवारी बिल्कुल मिली नहीं है क्या कहूँ। तो सबसे पहले तो खैर इनके रिक्शे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मदद कर देगा अगर ये टकरा गए हैं हमसे। हमने वीडियो भी इनकी बना ली है। हम ग्वारी घाट गए हुए थे, रास्ते में आ रहे थे और हमने इनको देखा तो मेरी इच्छा हुई कि मैं इनसे बात करूं, कुछ चुनावी चर्चा करूं। पर मुझे इतनी गंभीर स्थिति है हमारे देश में, इस बात का अंदाज़ा नहीं था। तो इनसे मिले हम। मेरा आग्रह है उन ईमानदार सरकारी अफसरों से, उन लोगों से जिनका ईमानदारी से ये काम बनता है, कि ऐसे लोगों को ढूंढें, चिन्हित करें और उनकी अपने जेब से उनको मदद नहीं करनी है, सरकारी मदद दें उनको जो उनके लीडर उनको दे रहे हैं। आज के समय में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स मोदी जी के हैं, तो जो रियल मोदी जी के फॉलोअर्स होंगे वो उनके हिसाब से काम करेंगे, उनके अच्छे के लिए करेंगे। इनको अगर आवास मिलता, इनको अगर कोई बीजेपी समर्थक या सरकार का कोई व्यक्ति जो शासन प्रशासन में है आता और बोलता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनकी योजना है आपको घर देने की, आपको घर दिया जा रहा है, उनकी योजना है आपको फ्री राशन देने की, आपको राशन दिया गया है, ताकि ये इस तरह से किसी और के ऊपर इतना काम करने के बाद, यहाँ से 3 पत्ती वाकई में बहुत दूर है, लगभग 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 3 पत्ती होगा, ये यहाँ से वहाँ तक रोजगार ढूंढने के लिए पहुँचते हैं और शाम को वापस आ रहे हैं 70 रुपए के साथ। ये मध्य प्रदेश है, दिन भर की कमाई 70 रुपए, और पता नहीं किस चीज़ की डींगे हमारी सरकारें हाँकती हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। और सरकारों के समर्थक, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो समर्थक दिखाएंगे, जो चीज़ें धरातल में दिखेंगी वही दिखेंगी, पता नहीं धरातल में ये चीजें ये लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है। इतने आईपीएस आईएएस इतने नए लड़के बन रहे हैं, दुनिया भर के मोटिवेशनल मैसेज दे रहे हैं, उनके टीचर उनको दुनिया भर का ज्ञान दे रहे हैं, फिल्में बन रही हैं उनके ऊपर, आईएएस के ऊपर, आईपीएस के ऊपर, कहां जाते हैं ऐसे लोगों को ढूंढने। आपको ऐसे लोग सड़कों पर नहीं दिखते, रात में 1 बजे नहीं दिखते, ये 1 बज रहे हैं रात में और ये अपने घर जा रहे हैं 70 रुपए के साथ। बारह रुपए हो गए।